तो दोस्तों पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रवेश द्वार में। ये रहा काली माता मंदिर का प्रवेश द्वार और ये देखिए काफी पुराना टेंपल है ये। तो आज मैं आपको ये टेंपल दिखाऊंगा, तो चलो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। थोड़ा एक ट्रैक था, एक कोई छोटा सा था, फिर भी सांस फूल गई, छोटा से बिल्कुल लंबी हाइक थी। तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रवेश द्वार में। ये रहा मंदिर का प्रवेश द्वार, आप मेरे पीछे देख सकते हो। हाय दोस्तों, आज हम निकल रहे हैं बकलो के लिए। बकलो में एक फंक्शन है, उसे अटेंड करना है और मैं आज आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा काली माता का मंदिर, बकलो और गोरखा ट्रेनिंग सेंटर जो 1947 से पहले था, अपना जीटीसी गोरखा ट्रेनिंग सेंटर वो दिखाऊंगा। तो और साथ में आपको दिखाऊंगा मैं कांगड़ी धाम, जिसे हिमाचली धाम भी कह सकते हो, वो आज आपको दिखाऊंगा कैसे बनती है और उसमें खाने में क्या क्या होता है, वो सब कुछ मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। घर दिखाना, ये वाला प्यारा घर लगता है जब भी मैं यहाँ से क्रॉस होता हूँ। फिलहाल आप सड़क देखिए, बहुत ही सुंदर सड़क है। आगे बकलो, तो जी हम बकलो में करके एंटर। सामने पड़ रही है सड़क, ये लेफ्ट वाला भी जाता है 24 बाजार के लिए, लेकिन हम जाएंगे सीधा काली माता मंदिर के लिए। काफी सिंगल रोड है। ये रहा मंदिर और ये देखिए आप, ये रहा पेड़ों के पीछे आपको 24 बाजार दिख रहा होगा। मंदिर के बाद हमने वहीं पर जाना है, तो मैं 24 बाजार आपको आगे दिखाता हूँ। फिलहाल ये रहा मंदिर, तो ये देखिए आप। तो एक मंदिर की हिस्ट्री भी मैं आपको दिखा देता हूँ, काफी पुरानी हिस्ट्री है इस मंदिर की। ये देखिए आप पढ़ सकते हो, ये रहा मंदिर का निर्माण किसने किया था और कब हुआ था, ये देखिए। और ये रहा मंदिर। तो चलो मंदिर के प्रवेश द्वार को हम खोलते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम अपनी गाड़ी के पास वापस, तो आगे निकलते हैं फ्रेंड के फंक्शन में। काफ़ी अच्छा लगा मंदिर में आके, आप भी ज़रूर आइए काली माता का मंदिर जब भी कभी आप आते हो। तो ये रही लोकेशन, ये रहा सामने शूटिंग कॉम्प्लेक्स। तो शूटिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर ही रास्ता जा रहा होगा काली माता मंदिर के लिए। तो दोस्तों अब हम निकलते हैं आगे फंक्शन के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं रोहित के पास, दूल्हे राजा के पास। ये रहे दूल्हे राजा जिनके फंक्शन में आज हम आए हैं। और रोहित कैसा लग रहा है?
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 खुश हूँ कि आप लोग आए हो। चार चांद लगे आप लोगों के आने से। चलो पर एक चांद तो पहले ही लगा हुआ है जो मैंने ढक के रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बैठिए, अभी यहाँ पर पार्टी होगी हमारी, एंजॉय कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप अभी निकलिएगा नहीं यहाँ से, पूरा बनाएंगे हमारा यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। सभी लोग आएंगे और लोग भी, गेस्ट वगैरह और भी आ रहे हैं। चलो चलो, उनसे भी आपको मिलवा। चलो रे भाई, रोहित को करने देते हैं अपना काम, हम करते हैं अपना काम। प्लीज, और हमारे मित्र मीना ऐसे शर्मा रहे हैं, ये रहा ऐसे शर्मा रहा है जैसे भाई शादी मीना की हो। चलो क्या क्या चीज है भैया? मटर पनीर। आप बोल रहे मदरा? ये अच्छा, मटर पनीर का मदरा। अच्छा 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 अच्छा, तो मैं पहली बार देख रहा हूँ मटर पनीर का मदरा। और उसके बाद दिखाइए मदरा। ये क्या चीज है? मुकंद बड़ी मदरा। ये भी मदरा? हाँ जी। चलो करेंगे टेस्ट इसको। ये क्या है? चने की दाल। हाँ जी। चलो ये तो देखते रहते हैं। ये कड़ी बड़ी गाड़ी लग रही है कड़ी। चलो पत्तल में निकल जाती है ना, कांगड़ी दामों से ये टाइट चाहिए, पत्तल में निकल जाएगी। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। और ये क्या चीज है? मखनी दाल। ओके ओके ओके। उसके बाद सर खट्टा। खट्टा चलो, बहुत बढ़िया। चलो मीठे चावल ना, चलो यही सब कुछ। चलो ओके। ये हमारे नेगी भाई हैं, तो हम बैठ चुके हैं दाम खाने के लिए। नेगी भाई, भूख तो नहीं लगी? नहीं नहीं, भूख तो बड़ी लगी, लेकिन खाना आ नहीं रहा। आजेगा आजेगा, आगे चावल आगे। आजो भाई, आजो आजो, चावल आ चुके हैं। डालो डालो और डालो, बस तो ये लग चुके हैं चावल। बस ये अपने राहुल भाजी भाई, इधर आओ। बनाओगे? ये आ गए हैं राहुल, मेरे कुलीग, जिन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ है। ठीक है राहुल, बैठ जा तू भी, बाद में कब। चलो चलो, तो आ गए हैं, तो करते हैं शुरू। आप खाना शुरू कर। ये रहा 24 बाजार और ये रही मेरी गाड़ी खड़ी, तो आप 24 बाजार देख सकते हो। ये रहा 24 बाजार, ये रही 24 बाजार की मार्केट, आप देख सकते हो। फाइनली दोस्तों, आगे बकलो घूम के, 24 बाजार घूम के, काली माता के मंदिर जाके आगे काफ़ी अच्छा रहा। तो दोस्तों बढ़ रहे हैं अभी ढलोजी की तरफ, शाम हो चुकी है, रात होने वाली है। तो अभी हमारा प्लान बन रहा है कि इसके बाद हम सीधा जाते हैं ढलोजी, एक एक थुपका के प्लेट का आनंद लेंगे। पता नहीं शॉप बंद ना होगी हो, फिर भी देखते हैं, करते हैं थुपका का एंजॉय ढलोजी में जाके।